तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दीना गांव से जालना के बीच के सीआरएस की अपडेट। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में ही बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडियन रेलवे ने 2023 और 24 के एंड तक इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफाइड करने का निश्चित किया है। तो उसी के उपलक्ष में मराठवाड़ा में भी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। और दोस्तों, हाल ही में मराठवाड़ा के दीना गांव से जालना के बीच के इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कम्प्लीट किया गया था। लेकिन लोगों को यह सवाल सता रहा था कि जालना से दीना गांव के बीच का इलेक्ट्रिफिकेशन तो कम्प्लीट हो गया है, लेकिन इसका सीआरएस कब होगा। तो फाइनली 16 जुलाई को रेलवे के देखरेख में सिकंदराबाद के टीम के तरफ से दीना गांव से जालना के बीच में सीआरएस इंस्पेक्शन कंप्लीट किया गया है। और ये काफी खुशी की बात है। काफी सारे लोगों को ये सवाल सता रहा था कि कब होगा सीआरएस। तो फाइनली सीआरएस कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आपको दूसरा सवाल सता रहा होगा कि जालना और दीना गांव के बीच में सीआरएस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ट्रेन को ईलो को लगना कब से शुरू होगा। मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे में सीआरएस इंस्पेक्शन होने के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन को लगाया जाता है, क्योंकि इससे पता लगाया जाता है कहां पर कहीं पर अगर कुछ फॉल्ट है तो उसे अभी के अभी ठीक किया जा सकता है। और ये सारे चेकअप होने के बाद फिर फाइनल डिसीजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को लगाने का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। तो फाइनली अभी कुछ दिन में जालना रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन को लगना शुरू हो जाएंगे। और अगर वो सफल हो गया तो उसके बाद जालना से मुंबई चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलने वाला है। तो अगर गुड्स ट्रेन का ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद कुछ ही दिन में जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी लोकोमोटिव मिल सकता है जालना रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।